बिलासपुर शहर के आज कार्यकर्ता सम्मेलन बिलासपुर में रखा गया था और माननीय कैबिनेट मंत्री अमर अग्रवाल जी का आज जन्म दिवस भी मनाया गया। यहाँ पर आज हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग उपस्थित हुए और यहाँ पर एक से एक प्रवक्ता लोग आए थे, भाजपा के विधायक लोग, मंत्री लोग सभी आए थे और सारे आज कार्यकर्ता को गुड़ सिखाए हैं। और हमारे पास एक ऐसे है कि मस्तूरी विधानसभा के मंडल अध्यक्ष सतीश द्विवेदी से हम रूबरू जा रहे हैं, बताएंगे सर कि आज जो ये हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ के शासन की योजनाओं का फायदा आप किस प्रकार से आप देख रहे हैं? आज सबसे पहले तो अपन लोग अमर अग्रवाल के जन्मदिन में जो उपस्थित थे, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपके माध्यम से जो आपने मुझसे पूछा कि छत्तीसगढ़ में 5 साल के भाजपा की सरकार की जो विकास है उसको आपको कितना फायदा मिलेगा, ये 5 वर्ष की बात नहीं है, जब से 3 में सत्ता का परिवर्तन हुआ है और छत्तीसगढ़ में रमन के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और आज लगभग 18 वर्ष पूर्ण होने को है, तो हमने जो विकास किया है और जनता के बीच में जो विकास वो दिख रहा है उसी का परिणाम है कि हम 3 बार सरकार बनाए और आने वाले समय में भी हमको विश्वास है कि जनता आशीर्वाद देगी और सरकार भी बनाएगी। अभी जिस प्रकार से आपका मस्तूरी विधानसभा में छत्तीसगढ़ शासन की सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और काफ़ी आज जनताओं में आज खुशी देखने को मिल रहा है, जब हमने मस्तूरी क्षेत्र का दौरा किया तो वहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि आज वहाँ पर उज्ज्वला गैस का जो वितरण किए हैं आप लोग ने, मुख्यमंत्री पट्टा वितरण हो रहा है, संचार क्रांति योजना के तहत मोबाइल वितरण हो रहा है, क्या ये योजनाओं का फायदा पूरे क्षेत्र में मिल रहा है? बिल्कुल, हमारे मस्तूरी विधानसभा में जितने भी हमारे वरिष्ठ जन हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, इस सरकार की योजना का लाभ एक एक घर में और एक एक गांव में सबको दिला रहे हैं और ये सारे लाभ हमारे क्षेत्र में मिल चुका है। अभी अंतिम समय में जो मोबाइल वितरण हो रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि 75 से 80% गाँव में मोबाइल का वितरण हो चुका है, शेष जो है वो भी प्रारंभ है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.